हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर, और आज हमारा है पार्ट 6। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पढ़ेंगे श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, जिसे हम फेजर आरेख द्वारा समझेंगे। सो आपको पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एसी वोल्टता को पहले प्रतिरोध के साथ, फिर प्रेरक के साथ, और फिर हमें कैपेसिटर यानी संधारित्र के साथ उसका डायग्राम, उसके आरेख को हमने डिस्कस किया था, और उससे हमने बहुत सारे रिजल्ट डिराइव किए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एलसीआर उन तीनों कंपोनेंट्स को एक साथ इस सर्किट में यूज करने वाले हैं। किसके साथ? एसी वोल्टेज के साथ, यानी कि वो एक तरह से श्रेणीबद्ध यानी सीरीज में जोड़े हुए होंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक रजिस्टर लिया है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टेंस हमने लिया है, जिन्हें हमने एक साथ वायर में श्रेणीबद्ध में जोड़ा है। किसके साथ? एसी वोल्टता यानी एसी वोल्टेज के साथ। तो हम इससे देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें टोटल वोल्टेज निकालना है, तो यहाँ पर हम किरचॉफ पास का नियम लगाएंगे। किरचॉफ पास के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट का जो क्या होगा, वोल्टेज होगा, वो हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि इंडक्टेंस यानी प्रेरक के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज आता है, वो आता है एल डी आई बाई डी टी। रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आएगा यानी प्रतिरोध के अक्रॉस जो आएगा, वो आएगा आई आर, और यह कैपेसिटर के अक्रॉस इजिकल टू वी। ये किसका है? ये हमारा एसी वोल्टेज का। तो इतना हमने पता है क्योंकि हमने प्रीवियस जितने भी हमें लेक्चर्स देखे हैं इसके, वहां पे हमने डिस्कस किया था ये कैसे आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो विधियां हैं एलसीआर परिपथ को सॉल्व करने की। सो पहला मेथड क्या है, वो है फेजर टेक्निक, एंड सेकेंड वन इज विश्लेषणात्मक रूप से हल। तो इस वाले लेक्चर में हम फेजर तकनीक का यूज करते हुए इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका विश्लेषणात्मक रूप से हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं फेजर तकनीक से इसका हल। सो फेजर आरेख द्वारा हल। तो फेजर आरेख क्या होता है, हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जहां हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर को डिस्कस किया था। वहां पे हमने फेजर आरेख द्वारा उसको बहुत ही इजिली वे में समझा था। ये उसके डायग्राम को वी और आई का जो बदलाव होता है, जो चेंजेस होते हैं समय के सापेक्ष, वो हमने इस आरेख से समझा था। तो इस आरेख के द्वारा अब हम यहाँ पर एलसीआर परिपथ का हल देखने वाले हैं। सो मान लेते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वी बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी, जो सभी के लिए समान रहता है। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं जो धारा है यहाँ पर इस परिपथ में, वो है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये हमने माना है क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे धारा वोल्टेज से कितने कदम आगे है या कितने कोण वो पीछे है या इक्वल है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करा है कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्या है? फाइव यहाँ पर एक एंगल है, कला अंतर है। किसके बीच में, किसके बीच का कला अंतर होगा? वो है स्रोत की वोल्टता व उस परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा, यानी कि वोल्टेज वी और आई के बीच में जितना कला का अंतर है, फेज डिफरेंस है, वो है हमारा फाइव। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास क्योंकि एक प्रेरक है यहाँ पे, एक प्रतिरोधक है, और संधारित्र और स्रोत जो है हमारे पास, उसके बीच में जो वोल्टता है वो क्रमशः वी एल, वी आर, वी सी और वी है। मतलब जो इंडक्टेंस है उसके लिए हमारे पास वी एल वोल्टेज है, जो प्रतिरोध है उसका वी आर, कैपेसिटर का वी सी, और जो हमारे पास एसी वोल्टेज है, एसी सोर्स है, उसका हमने वी। तो ये इसके विभवांतर को हम प्रदर्शित करने वाले हैं इस साइन के द्वारा। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक सिंपल सा फेजर डायग्राम है एलसीआर परिपथ का, जो कि सीरीज में है। आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो वी आर, हमने आपको याद होना चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे प्रतिरोध पर एसी वोल्टता, वहां पे हमने डिस्कस किया था जो वी आर आता है, यानी कि प्रतिरोध के केस में जो वोल्टेज है और धारा है वो एक दूसरे के क्या है, समानांतर होती है इस तरह से। तो ब्लू लाइन से हमने वही दिखाया गया है कि वी और आई जो है कला का डिफरेंस, उनके बीच 0 डिग्री होता है। हमने ये देखा था कि वी सी जो होता है यानी जो कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, धारा जो होती है, हमने देखा था धारा पाई बाय टू पी आगे होती है किससे, वोल्टेज से। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो वी सी है, जो वोल्टेज है, वो धारा
से पाई बाय टू पीछे है, क्योंकि हमें वोल्टेज की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि वीसी के केस में जो वीसी है, अब डायग्राम में देख सकते हैं, जो वीसी है वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के केस में, संधारित्र के केस में, वो पाई बाय टू क्या है, पीछे है, ठीक है। इसी तरह से जो वीएल होगा, यानी कि जो हमारे पास प्रेरक है, वो क्या होगा, उसका जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाय टू कदम आगे है, ठीक है, इस तरह से। तो ये बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है फेजर आरेख का। हमने यहाँ पे वीआर डिस्कस किया, वीएल और वीसी, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि फेजर की जो लंबाई है, यानी जो हमारे पास वी आर है, वी सी और वी एल है, उसकी लंबाई हम मान लेते हैं वी आर एम जो है हमारे पास है आई एम आर, ये हम निकाल रहे हैं ओम के नियम के अनुसार, क्योंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो जो वी आर एम है उसकी जो लंबाई है वो है आई एम आर, वी सी एम जो कैपेसिटर का है वो है आई एम एक्स सी, ठीक है, वी एल एम है वो है आई एम एक्स एल, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर करा है फेजर्स की लंबाई। ओके, तो अभी हमने जो पीछे वाला डायग्राम देखा था फेजर आरेख का, उसका एक सिंप्लीफिकेशन रूप हम इस तरह से बना सकते हैं। हमने क्या करा है, जो आपने हमने पीछे देखा था, यहाँ पे था हमारे पास क्या था, यहाँ पे वीएल था, ठीक है। तो हमने वीएल को यहाँ से हटा करके एक ही डायरेक्शन में वी सी प्लस वीएल लिख दिया, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने वी सी प्लस वीएल लिख दिया है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे वी आर था। वी आर और वी सी प्लस वी एल का अगर हम रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे तो वो आ जाएगा ये कैपिटल वी, इस तरह से। तो दो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी और बीच में डॉटेड लाइन है यहाँ पे, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे एक शेप बन रही है। इस शेप का हम क्या करने वाले हैं अभी हम देखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वोल्टेज यहाँ से निकालना है। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी होगा। आप देख लीजिए ये वी आर की लंबाई है, दैट इज वी आर एम, ये टोटल वी की लंबाई है, इसे हम बोल सकते हैं वी एम, और जो ये वाली लंबाई होगी वो होगी वी सी एम माइनस वी एल एम, ठीक है। जो पीछे डायग्राम हमने डिस्कस किया था फेजर आरेख, उसी का एक सिंप्लीफिकेशन रूप हमने यहाँ पे बनाया है, इस तरह से। इसे क्यों बनाया है अभी हम समझेंगे इसको, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज निकालना है। हम इसे इस तरह से ले सकते हैं कि वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी बराबर होता है वी, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब अगर आप इसको देखें ध्यान से, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर क्या है, वी एम का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर मतलब वी आर एम का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर यानी कि वी सी एम माइनस वी एल एम का स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे ऑफ कोर्स। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी वी एम और फेजर्स की लंबाई डिस्कस की थी, इनका मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं। जब आप इनका मान यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ आएगा। हमने यहाँ पे सबके मान रख दिए, यहाँ पे हमारे पास आई एम जो है कॉमन आ जाता है, हम इसे कॉमन लेंगे, आई एम का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर हमारे पास आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से अगर हम आई एम की वैल्यू निकालें, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें एलसीआर के केस में हमें आई की वैल्यू चाहिए कि हमें करंट कितनी है, तो हमारे पास आई एम की वैल्यू आ जाती है वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अगर हम इसको आगे देखें तो हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आई एम क्या होता है, आई एम इज इक्वल टू होता है वी एम अपॉन आर होता है, वी एम अपॉन आर होता है, यानी कि ये जो भी कुछ नीचे है, पीछे पीछे जो हमने देखा था, ये वाली जो वैल्यू है नीचे वी एम के नीचे जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को शो कर रही है, यानी एक प्रतिरोध को शो कर रही है। तो इस पूरी जो यूनिट है नीचे उसको हमने कंसिडर करा है जेड, वो क्या हमारे पास, वो है जेड, और जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। तो जेड का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, तो आपको ये याद होना चाहिए जो जेड होता है वो कहाँ से निकल कर आया है, जेड एलसीआर परिपथ में आता है जेड की वैल्यू, क्योंकि हमने डिस्कस किया था प्रतिरोध के केस में प्रतिरोध ही होता है, जब हम प्रेरक की बात करते हैं तो वहां पे प्रतिरोध की तरह एक्सएल का यूज होता है। फिर हम आते हैं एक्ससी में, यानी कि हम आते हैं संधारित्र के केस में, हमारे पास एक्ससी आता है जो कि प्रतिरोध की तरह ही होता है। इसी तरह से एलसीआर परिपथ में कुछ प्रतिरोध की तरह एक यूनिट होती है,
उसका सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रतिरोध की तरह ही होती है, लेकिन उसको हम सिंबॉल क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं, जेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होती है, ये जेड की वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी होगी, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये हमारे पास है एक प्रतिबाधा आरेख, यानी जेड का आरेख। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास आधार होता है वो आर है, कर्ण हमारे पास जेड, और जो लंब है वो हमारे पास एक्स ए माइनस एक्स एल है। जो हमने पीछे फेजर डायग्राम बनाया था उसी का एक सिंप्लीफाई रूप ये भी हो सकता है। तो हमने देखा इस तरह से, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ से हम टेन फाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं। फाई क्यों हमें, क्योंकि फाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने हमने देखा था कि फर्स्टली हमने देखा था, हमने आई की वैल्यू निकाली थी, मतलब मानी थी आई की वैल्यू, कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जो धारा का मान है वो है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की वैल्यू हमें नहीं पता है कि धारा जो है वोल्टेज से कितने कदम आगे है या कितने कदम पीछे है, तो इसलिए हमें यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी होगी कि फाई की वैल्यू आखिर है क्या। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से टेन फाई की वैल्यू निकालेंगे। टेन फाई क्या होता है, हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, टेन फाई बराबर होता है एंड टेन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, लंब हमारे पास है ये और आधार हमारे पास है ये, यानी इसकी हमें क्या निकालनी है, फेजर लंबाई, ठीक है ना। तो फेजर लंबाई आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि टेन फाई बराबर हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेन फाई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो आपको टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर होता है, ये याद रखना है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम पे मिलने वाला है, इससे इससे हमें फाई की वैल्यू निकलेगी कि कफ आई की वैल्यू क्या होगी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। तो होता क्या है कि इसी इक्वेशन में जो हमने पीछे देखा टेन फाइव वाली, वहां पर अगर अगर एक्स सी ग्रेटर देन है एक्सएल से, यानी अगर एक्स सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा है, तो फाई क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। और जब ये धनात्मक होगा, इसका मतलब ये होगा कि परिपथ में धारितात्मक जो व्यवहार है वो प्रधान हो जाएगा, उसकी प्रधानता हो जाएगी, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि संधारित्र वाले केस में क्या होता है, धारा जो होती है वोल्टेज से आगे रहती है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर हमारे पास ये वाला केस आता है कि एक्स सी एक्सएल से ज्यादा है, तो उस केस में जो धारा होगी वो वोल्टता से आगे हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको यही शो कर रहा है, देख सकते हैं आप, वोल्टेज का जो हमेशा ग्राफ होगा वो सेम ही रहेगा जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है, और यहाँ पर जो धारा है वो इस तरह से दिखाई गई है। अगर हमारे पास एक्ससी जो है वो स्मॉलर है देन एक्सएल, ठीक है, यानी एक्ससी की वैल्यू जो है एक्सएल से कम है, तो उस केस में हमारा फाई ऋणात्मक हो जाता है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर कि प्रेरकीय वाला व्यवहार प्रमुख हो जाएगा, यानी कि प्रेरक की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, और हम जानते हैं प्रेरक वाले केस में जो धारा होती है वो वोल्टता से पाई बाई टू कदम पीछे होती है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस केस में धारा वोल्टता से पीछे होगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ चुका है कि फाई की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी एक्ससी और एक्सएल पर। सो अभी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में इस लेक्चर के कि हमारे पास सीरीज एलसीआर परिपथ को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है फेजर तकनीक और दूसरी है विश्लेषणात्मक रूप से उसका हल। तो हमने फेजर तकनीक यहाँ पे यूज करी थी इसको निकालने के लिए, धारे की वैल्यू क्या आई हमारे पास, किस तरह के रिजल्ट हमारे पास आते हैं। लेकिन फेजर आरेख की कुछ कमियां हैं, इस कमियां क्या है वो हम देखेंगे अभी। इसी कमी की वजह से हम इसका दूसरा रूप भी देखते हैं, दैट इज विश्लेषणात्मक रूप से इसका हल। कमियां क्या है, कमियां एक्चुअली ये है इसकी कि फेजर आरेख जो होता है वो प्रारंभिक स्थितियों के विषय में कोई सूचना नहीं देते। अगर हम टी का कोई भी यादृच्छिक मान ले सकते हैं, हम लेते हैं अगर, तो विभिन्न फेजर्स के बीच में सापेक्षिक कोण दर्शाते हुए अलग अलग फेजर आरेख हम बना सकते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त हल होता है वो एक स्थायी अवस्था का हल इसे हम कहते हैं, जो कि एक व्यापक हल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यही इसकी कमियां होती है फेजर आरेख की। सो आज के लिए इतना ही, अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना। ऑफकोर्स हमने ये पढ़ा एलसीआर परिपथ में जो धारा की वैल्यू होती है वो बराबर आती है वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर आई एम जो है वो बराबर होता है वी एम अपॉन जेड का, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जेड की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। जेड यहाँ पर एक प्रतिबाधा होती है जो कि प्रतिरोध की तरह ही होती है, इसकी वैल्यू इसका जो मात्रक होता है वो ओम ही होता है।
हमने 10 फाई की वैल्यू निकाली थी कि 10 फाई बराबर होता है एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है वो एक्स सी और एक्सएल पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर एक्स सी की वैल्यू एक्सएल से ज्यादा है उस केस में जो परिपथ में धारा स्रोत वोल्टता से अग्र हो जाती है। अगर एक्स सी जो है वो छोटा है एक्सएल से तो उस केस में जो धारा होगी वो स्रोत से यानी वोल्टता से पीछे हो जाती है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे विश्लेषणात्मक रूप से इसका हल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू।